हम लोग आ चुके हैं ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर में, वहाँ से वॉर मेमोरियल से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ का टिकट जो है वो 100 रुपया है पर हेड, ठीक है। तो एक आदमी का 100 रुपया लगेगा, तो आप लोग जितने आदमी रहेंगे उतना इंटू 100 कर दीजिए। और यहाँ आप देख सकते हैं किड्स का प्ले जोन है, ये देखिए, ये है यहाँ पर किड्स के लिए प्ले जोन बना के रखा है इन लोगों ने। और देखते हैं आखिर ये इस जगह पर, ब्रह्मपुत्र जगह पर क्या है, यहाँ पर क्या स्पेशल है। तो चलिए हम लोग बस देखते हैं और आपको अपडेट करते हैं। यहाँ पर पेंटिंग्स हैं, ये देखिए आप पेंटिंग्स का प्राइस यहाँ देख सकते हैं 60,000 रुपीज़ सिर्फ इस पेंटिंग का दोस्तों। और एग्जीबिशन टाइप का है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी प्राइस है 35,000, ओके। तो अलग अलग प्राइसेज है, इसकी प्राइस जो है वो 80,000 रुपीज़ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, हाँ देखिए 80,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है दोस्तों, ठीक है। और अलग अलग पेंटिंग्स है, ये देखिए 40,000, और ये 1 लाख की पेंटिंग है दोस्तों, 1,01,000 इसका प्राइस है। और इसी तरह से है अलग अलग, और काफ़ी महंगा है, बहुत महंगा है। और थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नक्शा बना हुआ है, नक्शा है पूरा, ठीक है। ये गुवाहाटी सुलुकुची रिवर बैंक का नक्शा, और ये ट्रेडिशनल लूम इसको बोलते हैं, ये देखिए ट्रेडिशनल लूम है, ये बुनाई मशीन इसे बोलते हैं, जिसे बुनते थे हम लोग पहले के ज़माने में, लोग बुनते थे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं और ये देखिए, ये सब पेंटिंग्स की प्राइस नहीं है, प्राइस टैग कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है बस देखने के लिए। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है ऊपर का। और ये देखिए हम लोग, मीटिंग रूम है इधर, और अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको पहले वन बाय वन दिखाता हूँ। मीटिंग रूम में पहले चलते हैं, तो ये देखिए इस तरह का मीटिंग रूम हुआ करता था पहले के ज़माने में, और सेम ही है ऐसा मीटिंग रूम हमने देखा है पहले भी। और ये देखिए, ये बोट है ये, और इधर चलेंगे, इधर आगे में पेंटिंग से अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ देखिए स्मार्ट हेरिटेज का है, ठीक। और ये कुछ लोगों के बारे में बताया गया है, इसको आप वन बाय वन पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ अभी। ये देखिए मूगा सिल्क, पाट सिल्क और इरी सिल्क, तीन तरह के सिल्क यहाँ से यूज़ होते हैं। ये देखिए यहाँ पे सुलुकुची आप देख सकते हैं, इस जगह से होती है। ये सारा हैंडलूम इंडस्ट्री का, मतलब सुलुकुची में हैंडलूम का कारोबार चलता है। कुछ स्कल्पचर्स हैं यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़े से स्कल्पचर्स हैं अलग अलग टाइप के। और ये देखिए, और ये बुक्स हैं, हेरिटेज बुक्स विथ फोटोज। ये देखिए चेयर कुछ इस तरह। ये देखिए माजुली के बारे में बताया गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड सेटलमेंट, इस तरह का था। कोडैक का, यहाँ पे हिस्ट्री दिया, कोडैक का कैमरा है ये, कोडैक ब्राउनी 8mm मूवी कैमरा पहले ऐसा रहता था। और ये छोटा सा कैमरा है, ये भी ब्राउनी ही है, 1950 के टाइम का है, ये 1958 के टाइम का है, थोड़ा एडवांस हुआ और 1960 पर ऐसा है, और ये है 1950 के टाइम। दिस ऑल्सो कम विथ 1960s, ये है ओल्ड ज़माने के गाने सुनने वाला। ये देखिए इसी से कढ़ाई बुनाई, ये देखिए इन्होंने बनाया है ये सारा चीज़, देख सकते हैं आप। ये मलबेरी सिल्क है, ये मुगा सिल्क है,
तो ऐसा अलग अलग है, ईडी सिल्क है, तो अलग अलग टाइप के हैं ये सिल्क। अगर मतलब लोगों को ये पसंद आता है, अगर जो भी सिल्क के जानकार होंगे उनको ये बहुत पसंद आएगा। ये देखिए सिल्क के मतलब सिल्क के सहायता से किस तरह से इन लोगों ने बॉन्डिंग बनाई है, और ये बॉन्डिंग होते हुए सारे फोटोज पे आ गई। अब हम लोग चल रहे हैं क्राफ्ट शॉप। ये है चाय पत्ती, करक चाय, कान टी, अलग अलग टाइप की चाय पत्ती है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं प्रोबेबली एक तो लेके ही जाऊंगा। यह है आपका रंग महल 250 ग्राम, इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ है। और ये है आपका CTC सिंगा का, इसका भी प्राइस 150 के आसपास। और ये है अचार आपका, ठीक है, भूत जोलकिया पेस्ट, चिली पेस्ट है ये, इसका प्राइस जो है 450 के आसपास। हम आ गए सेकंड फ्लोर पर, यहाँ पर म्यूजिकल हेरिटेज। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन बनाया है इन लोगों ने। ये देखिए म्यूजिकल में ये है शेरजा, दो तारा, टोकरी, ये खामक, ये वीन, वीना जिसको बोलते हैं, और ये साथ ही साथ तोशिबा का एसी काफ़ी। और ये देखिए गोपी यंत्र है ये, इसको गोपी यंत्र बोलते हैं। और इधर आपका एक तारा हो गया, ठीक है, और किचौक बेनू हो गया, ये दोनों हैं। इधर का पिताल, इधर बोटल, खुतीलाल, सामुकताल, अलग अलग टाइप के आप देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग जो बजाते हैं झल झिंगरिंग, चाप झिंगरिंग और खंजारी, ये वो है। इधर का कोटल है, स्प्रंग है, अलग अलग चीज़ें हैं, कोटल है, और ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बाँस की बनाई हुई है। ये आपका देखिए सारी सारे बॉम्बू की बनाई गई हैं, कोडी ताल, तेंग तेंग, तेरथेरा, सब अलग अलग हैं, छोटे छोटे भी हैं। ये देखिए गोगोना, तूतू, गोथिक, चिमफंग, चिमफंग आपने सुना होगा, मुखबनी वो भी सुना होगा, ये मुरली अपने कृष्ण जी की बांसुरी मुरली, ठीक है, ये है बन्ही, ये पेपा, ये सब पुराने ज़मानों में यूज़ होता था, अपने बहुत सारे मूवीज़ या सीरीज़ में देखे होंगे। और ये अपना डोबा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही होता था डोबा, ठीक है। और आगे आएंगे तो ये हमें देखने को मिलता है डागर, डम्बारू, डमरू, और खमक है, नगारा है, ये देखिए नगारा, नगारा, नगारा बजाओ, ढोल है, खोल है, सारी चीज़ें हैं। स्कल्पचर ऊपर का दिखा दें, ये देखिए ऊपर का ये पूरा डिज़ाइन है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, जो कि जल्दी देखने को नहीं मिलता, ये पूरा बम्बू का बना हुआ है। और ये हमारे विष्णु भाई है जो नगाड़ा बजा रहे हैं, नगाड़ा बजाइए बजाइए, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 धीरे, डम 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 डम, डमरू 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 डमरू, डम 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 डम। एक मज़ेदार चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ का अगर कहीं का भी हिस्ट्री देखना है आपको, तो ये जो स्कैनर है स्कैन कीजिए और इसकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। अगर लाइब्रेरी हॉल का हिस्ट्री देखना है, माजुली कॉर्नर देखना है, विंटेज असम देखना है, तो ये तीनों स्कैनर लगे हुए हैं। नॉट ओनली हियर, हर एक जगह पर ऐसा स्कैनर लगा हुआ है, कहीं भी लगाइए और पूरी हिस्ट्री आपके सामने पाइए। के अंदर में स्टारबक्स भी है, अगर आप कॉफ़ी का आनंद उठाना चाहते हैं तो स्टारबक्स में आ सकते हैं। और इस तरह का व्यू है जो कि बहुत ही सुंदर व्यू है, आगे आपको मैं दिखाता हूँ आगे क्या क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये यहाँ से जो है, यहाँ से अगर आप कॉफ़ी पीने का आनंद उठा सकते हैं मतलब व्यू के साथ, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यहाँ से एकदम क्लियर व्यू से दिखती है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। और ये सनलाइट आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार तो आकर देख सकते हैं आप इसको, लेकिन वन टाइम ही मैं बोलूँगा, अगर जेन्युइन रीज़न मुझसे पूछे तो वन टाइम काफ़ी है यहाँ आने के लिए, दोबारा आने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। ऊपर तो ये बहुत ही बेहतरीन है, ये आपका चेस व्यू मैं आपको 360 एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको हर एंगल से दिखाऊंगा। और ये हमारा वज़ीर है, यहाँ पर हाथी है, घोड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर ये है हाथी, इधर आप देख सकते हैं घोड़े, ये राजा, मंत्री, चोर, सिपाही, बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। यहाँ स्नेक एंड लैडर, ठीक है, ये ज़मीन पर बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ज़मीन पर बनाया हुआ ये स्नेक एंड लैडर है, काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, और
ये देखिए सांप जो है ये 35 वाला है जो आपको डायरेक्ट 7 तक पहुंचाएगी, और इधर से 44 का है जो आपको 3 को लेके जाएगी, सबसे बड़ा 99 वाला है जो आपको सिर्फ 58 लेके जाएगा। तो छोटा छोटा है, सीढ़ी भी है जो 33 से लेके 70 के आसपास, अलग 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 टाइप्स के यहाँ पर स्नेक्स एंड लैडर्स ये है। ऐड करते हैं तो ये देखिए जो मैंने आपको स्टार्ट में जो बच्चों का दिखाना था खेलने का, ये देखिए कुछ इस तरह का बना हुआ है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और ये कटहल के पेड़ जो है काफ़ी बड़े 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 एकदम कटहल उगे हुए हैं यहाँ। और देखिए तने में होता है ना, ये देखिए यहाँ पूरा तने में ही ये कटहल के पेड़ आप देख सकते हैं ये उग गया है ऊपर तक, ठीक है। और ये सारा का सारा तने में ही है। और ये देखिए इधर भी है, नीचे ग्राउंड लेवल पर। और ये देखिए कितना नीचे, ये देखिए एकदम ग्राउंड लेवल पे ही कटहल के पेड़ आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बगल में, आप हाथ से भी तोड़ के डायरेक्ट इसको खाने का मज़ा ले सकते हैं। और ये है बच्चे लोगों के लिए खेलने का जगह। व्यू की बात कर रहा था मैं, ये है वो व्यू, सनसेट होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे देखिए पहाड़ है, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। हमने लिया है एक अभी यहाँ पे कॉफ़ी और आपको रिव्यू दूंगा कैसा आता है पीने पे। तो ये मैंने अपना कॉफ़ी जो है वो तैयार कर लिया है, अब मैं इसको पी के बताता हूँ यहाँ का कैसा है। बोलिए, यहाँ भी जैसा हम लोग मुंबई में पिए थे और जैसा भी हम लोगों ने पुणे में ट्राई किया है सेम है टेस्ट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सारे स्टारबक्स के जो टेस्ट होते हैं लगभग सेम होते हैं और थोड़ा सा माइनर डिफरेंस दिख रहा है, कुछ तो कॉफ़ी का टेस्ट है जो थोड़ा डिफरेंट है, शायद असम में है तो असम टी और कॉफ़ी का कुछ है अलग है टेस्ट, माइनर टेस्ट डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप कपल के साथ हो तो ये देखिए आप ज़रूर यहाँ आइए, क्योंकि कपल के साथ रहोगे तो ये बहुत ही रोमांटिक डेट जैसा लगेगा, बहुत ही रोमांटिक है शाम का समय और बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों। ये कपल के साथ आने लायक है एकदम बिल्कुल है, और आराम से स्टारबक्स में कॉफ़ी पीजिए, उसके बाद इधर भी जा सकते हैं और पेड़ के पास भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और अपने ये लुफ्ट का मज़ा उठा सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कितना खूबसूरत लग रहा है, इधर से आपका समुद्र है, अभी सनसेट हुआ है अच्छे से, मतलब पहाड़ है और इधर से आप कॉफ़ी पीते हुए मतलब इसका लुफ्त उठा रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, शाम का व्यू है। और यहाँ देख सकते हैं लूडो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर ये देखिए ये लेडी मतलब ये लड़की जो है वो चेस खेल रही है, और आप उठा उठा कर इसको चेस खेल सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो। और ये देखिए शाम का बहुत खूबसूरत सीन है दोस्तों, ये देखिए कटहल के पेड़ जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, और लाइट की वजह से ये काफ़ी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और मतलब मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ ज़रूर आइए, एक बार तो ज़रूर आइए गुवाहाटी में, ये बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही बढ़िया जगह है। आप यहाँ आकर आप इंजॉय कर सकते हैं, आप अपना बेहतरीन टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 hours, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए बच्चों को खेलने के लिए जगह है और ये स्मॉल हाउस है, अगर बच्चे इसमें जाना चाहते हैं तो आप मतलब बच्चे इसमें आराम से घुस के बैठ सकते हैं। ये देखिए बच्चों के लिए बनाया गया है स्मॉल हाउस, बहुत ही बेहतरीन। और ये इन लोगों ने जो लाइटिंग का प्रबंध किया है, जो भी अरेंजमेंट्स किए हैं इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया किया है, दैट इज़ द रीज़न दे आर टेकिंग 100 rupees चार्जेस, यही है सारे मेंटेनेंस के लिए ये लोग चार्जेस कर रहे हैं। और ये है म्यूज़ियम जिसके अंदर हम लोग गए थे अभी करीब तकरीबन 2 घंटे पहले, और अब हम यहाँ से चाय लेंगे और आपको वीडियो में अपडेट देते रहेंगे कि कौन सा चाय ले रहे हैं, चाय पत्ती। और यहाँ आइए तो यहाँ से ज़रूर चाय लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लोकल चाय पत्ती मिलेगा जो कि बाहर आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने, कौन कौन सा क्या क्या है इसका आप बताइए पूरा। ये फूल है, ये है गुच्छा के लिए, गुच्छा के लिए दूध चाय, अच्छा दूध चाय, मिल्क टी है, ओके। ये है एक नंबर वाला है, ठीक है, ये थोड़ा दिन से हो जाएगा, ठीक है। इसका नीचे है ये, अच्छा ये क्या है, ये पॉपुलर लीफ है, ये भी मिल्क टी है, मिल्क टी है हाँ, लेकिन इसे थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, ये प्रीमियम टी है, ये प्रीमियम है। अच्छा, और इससे छोटा भी आता है क्या? नहीं छोटा नहीं, छोटा ये नया माल है इसलिए आपको दिया, बाहर का आदमी इसलिए मुझे दिया, पुराना पुराना है, ये सब पुराना 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 माल, मोदी नया माल लीजिए इसलिए। अच्छा, ये सब 2021 का पुराना माल, पुलिस को पुराना माल नहीं देता है, लोकल का लेता है, ये दोनों सब न्यू न्यू माल है, देखिए नया माल है सब, एक एक साल वैलिडिटी है।
अच्छा, और इससे इससे इसमें छोटा वाला और कोई? छोटा वाला ये कौन सा? ये 80 रुपीस का है। ये 80 रुपीस का है। और इसका क्या है फिर, इसको कैसे करते हैं? एक दो तीन, ये तीन नंबर है। तीन नंबर का मतलब ज्यादा सा साठ थोड़ा ज्यादा देने पड़ेगा। इसमें भी ज्यादा और इसमें भी ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें कम देना पड़ेगा। इसमें कम, इससे इससे इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, इससे थोड़ा कमती ज्यादा पावर इसका है, इससे कमती पावर इसका है। तो आप देख सकते हैं इसका पावर सबसे ज्यादा है, इसका पावर थोड़ा सा कम है, इसमें ज्यादा देना पड़ेगा चाय पत्ती, और इसमें भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा चाय पत्ती। तो मतलब तीनों में बेस्ट कौन सा, मतलब ठीक है बेस्ट चाय, बेस्ट चाय तो ये है, बेस्ट चाय यही है, ठीक है। और ठीक है, अब तीनों ले जाइए। और ये तीनों में से बेहतरीन दो कौन सा है? एक दो, ये दोनों बात बढ़िया है। क्या खासियत है? खासियत मतलब क्या है, इसे सीधी सी है ना, खासियत ये है कि दूध में देने से ये थोड़ा सा देना पड़ता है चाय में, बट टेस्ट वाइज और अच्छा। टेस्ट वाइज तीनों में से कौन सा बेस्ट है? बेस्ट ये दोनों है, यही दोनों है। और ये ऐसे नॉर्मल मतलब ये ब्लैक टी में अच्छा होता है, ब्लैक टी के लिए होता है, और ये नॉर्मल टी के लिए ठीक है। ब्लैक में थोड़ा सा देने से पास आदमी का थोड़ा सा देने से हो जाता है। अच्छा, और ये सबका प्राइस वही 80 रुपीज, 80 रुपए, ये 100 है। अच्छा, ये 100 है और ये 150। ओके ओके, प्राइस डिफर कर रहा है। ओके, ये देख सकते हैं तीन चाय पत्ती।